हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों को दुगनी तेजी से किस तरह से बढ़ा सकते हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हो। बाल ज्यादा झड़ने की वजह से स्कैल्प में गंजापन दिखाई देने लगता है, वहाँ पर इस नुस्खे को अप्लाई करके आप नए बाल उगा सकते हो। आज बालों की समस्या किसी निर्धारित आयु वर्ग तक सीमित नहीं रह गई है, ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। वैसे 15 से 40 वर्ष की आयु के मनुष्य इस समस्या से ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन आज आप इस नुस्खे को अपनाकर बालों को घना और लंबा बनाने के साथ साथ बालों की सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबाना भूलिएगा, जिससे कि कोई खास वीडियो आप मेरी मिस ना कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए मेथी। मेथी दाना की मुझे यहाँ जरूरत होगी। मेथी दाना बालों के झड़ने को कम करने के लिए काफी इफेक्टिव औषधि है। मेथी दाने के बीजों में एंटीसीडेंट नामक हार्मोन होता है जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और फोलिकल्स को रिब्यूल्ड करता है। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड भी होता है जो बालों को न्यूट्रिशन देता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेथी दाना ले लीजिए। अपने बालों के हिसाब से आप मेथी दाना का यूज कर सकते हो, जितना कि आपके बालों में इस्तेमाल लग सके। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आप एक गिलास पानी ले लीजिए। इस मेथी दाना को एक गिलास पानी के अंदर अच्छे से डाल लीजिए, जिससे कि ये मेथी दाना अच्छे से डूब जाए, और 2 घंटे के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जब आप देखोगे 2 घंटे के बाद, तो ये मेथी दाना जो है थोड़ा मोटा हो जाएगा फूलने के बाद, जिससे कि ये पीसने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। उसके बाद आप इस मेथी दाना को जब 2 घंटे के बाद ये फूल जाएगा अच्छे से, तो आप इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंडर कर लीजिए। तो ऑलरेडी मैंने इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंडर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें से इतना लेना है जितना कि ये अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। तो मैंने इसको अच्छे से ले लिया और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि आपके बालों के लिए इसको थोड़ा पतला रखना। इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको आप अच्छे थोड़ा पतला कर सकते हो, जिस तरह से आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, 2 चम्मच मैंने ये पानी डाला है इसमें, तो ये अब इस वक्त सही हो चुका है। अब इसके अंदर दूसरी चीज जो मुझे ऐड करनी है वो है कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल मुझे इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, तो ये हेयर मास्क आपके बालों के लिए तैयार है, आपके बालों को डबल ग्रोथ देने के लिए। दुगनी तेजी से आपके बाल बढ़ेंगे इसको लगाने के बाद। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बहुत बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नजर आएगा, 1 हफ्ते तक लगाने के बाद। फ्रेंड्स, जब आप इसको बना रहे होंगे तो मेथी दाना जो है बहुत चिकना होता है, मजबूती देने के साथ साथ आपके बालों को स्ट्रेट भी रखेगा और आपके बालों में चमक भी पैदा करेगा। मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेथी दाना और कलौंजी, ये 2 चीज हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। अगर हम इन दोनों चीजों का अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो हमारे बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अब आपको इसे लगाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप सबसे पहले अपने बालों को वॉश कर लीजिए। अगर आपके बालों में तेल लगा हुआ है तो आप अपने बालों को सबसे पहले वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप इसको अपने बालों में लगाइए। लगाने के बाद आपको इसे स्कैल्प पर अच्छे से लगाना है। स्कैल्प पर लगाने के बाद आप चाहें तो आप इसको अपने बालों में भी लगा सकते हो। स्कैल्प पर अच्छे से लगाने के बाद जहाँ पर आपके सर में गंजापन है आप इसको वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसको लगाने के बाद नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। आप इसको अपने पूरे सर में अच्छे से लगा लीजिए। 10 मिनट तक आप मसाज करिए अपने उंगलियों की सहायता से। 10 मिनट तक आपको अच्छे से उंगलियों की सहायता से मसाज करनी है। उसके बाद 1 घंटा इसको इसी तरह लगे रहने दीजिए। जब 1 घंटा हो जाए तो आप अपने सर को शैम्पू या कंडीशनर की सहायता से वॉश कर लीजिए। अगर आप अपने बालों को और भी ज्यादा ग्रो देना चाहते हो तो आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल की जगह कैस्टर ऑयल भी यूज कर सकते हो। कैस्टर ऑयल में प्लस राइंस, स्कैवलाइन और प्रोफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ा देता है। तो आप इसके अंदर 2 चम्मच कैस्टर ऑयल भी यूज कर लीजिए। आपको खाली कैस्टर ऑयल यूज नहीं करना है। अगर आप कैस्टर ऑयल यूज करोगे तो आपको साथ में कोकोनट ऑयल भी यूज करना है, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा गाढ़ा तेल होता है जो हमारे बालों की जड़ों में अच्छे से नहीं जा पाता। अगर आप खाली कैस्टर ऑयल की मालिश करना चाहते हो तो आपको इसमें दूसरा तेल भी ऐड करना होगा। या तो आप ऑलिव ऑयल यूज कर लीजिए या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप इस तरह से एक बार इसको जरूर ट्राई करोगे और मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताओगे कि आपको इसका रिजल्ट किस तरह का मिला। आप इसको वीक में 3 से 4 बार यूज कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको हर उम्र वाले हर कोई इसको ट्राई कर सकता है। बहुत ही अच्छा उसका ही, आपको 1 हफ्ते में ही बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबाना भूलिएगा, जिससे कि खास वीडियो आप मेरी मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।